मैं ना छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह ये ना फीलिंग आती है। फॉर एग्जांपल दूसरा गियर है, ये स्पीड है, मैंने रेस मार दी गाड़ी, ये गाड़ी फ्री हो गई है, ये आरपीएम देखो और रेस देखो, ठीक है ना। अब इसे फौरन रोकना है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने नहीं चाहिए, बट मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह पता लगता है कि क्लच प्लेटें फारिग हो गई। और अभी मैं बड़ा ना लाइक 50 किलोमीटर चला के लूँ, बड़े एहतियात से चला के लूँ ताकि कोई पंगा शंगा ना हो ना। ये रोल है, अब इसे सेट कराते हैं जाके इंशाल्लाह। भाई जान सुबह हो गई है, वालेकुम सलाम। ओए शिट, मेरा नाश्ता गिर गया। नाश्ता कर रहा हूँ अभी मैं उठ के, और साथ में एटीएम से वादू सारे नोटू निकाल लिए हैं। से नजर ना, ये वॉक एंड वाले ठुल्ले बड़े सख्त होते हैं। यार वो मैं क्या कह रहा था, भूल ही गया। हाँ, 10 बजे आँख मेरी खुली है, मैंने कहा बाबा जी चलो। अब वो चलते चलते मैं ना फिर आँख लग गई 11 बजे। फिर तो भाई जान ऐसी मेरे जिस्म के अंदर से रूह निकली है ना, जब मेरी आँख खुली है मैंने कहा दस्ती पहुँचो, इससे पहले उस्ताद जो है ना हमारा कोई और काम पकड़े। जाके देखने क्या सीन है यार, गर्मी बहुत हो गई है, वादू सारी हो गई है। चलो जनाब यहाँ पे आ गए हम उस्ताद जी को, शुक्र है काम शाम कोई नहीं। ऐ दुकान है उस्ताद जी, उस्ताद जी ने पहले कहे पुत्र परेशान ना हो, टपाल दी टका के चाह बुलाई है। अब उस्ताद जी गए हैं गड्डी लेके, गड्डी लेके चेक कर दी है भाई जान, मसला क्या है, असल कितना कोई गंभीर मसला है, कितना कोई खर्चा आना है। अभी ट्रायल लेने गए, देखते क्या होता है। लो जनाब गाड़ी हमारी आ गई है ट्राई होके, लगता है मसला गंभीर है। यहाँ पे साई में रोकी गई है गाड़ी, क्या सील है। स्लिप आ रही है ना, ओए 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 क्या करते हो यार। लगे आते उस दिन जो सफाई कराई थी वो भी दिखा दो, साफ सुथरा। खैर गियर बाहर आ जाएगा वैसे ही साफ हो जाएगा, इंकशाफ ताज़ा ताज़ा ये हुआ है कि भाई जान ये रेडिएटर भी खुलता है इसके लिए, सारा वो पानी शानी वो जो भी। अभी मैं 2 दिन पहले सारा 100% कूलर डलवाया था, ज़ाया दोबारा 3,000, इस पर तो सीधा सीधा 3,000 रुपये लगाना मेरा। चल जनाब उस्ताद जी अभी गए हैं अपने बच्चों को लेने स्कूल से, तो खैर ये शॉप से बाय का था, ये किचन डिग्रीसर ना, तो ये मैंने मंगवाया हुआ था अपने किचन को साफ़ करने के लिए। अब ये यहाँ पे काम आ रहा है, बेसिकली ग्राइम बहुत है यहाँ पे। अब ये ब्रश है, ये वायर ब्रश नहीं है, नॉर्मल वो वाला है, तो अब इसे मैंने मारे और अब इसको मैं बेसिकली थोड़ा सा क्योर करने के लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ ताकि सही तरह ना लूज़ हो जाए ग्राइम सारा इसका। उसके बाद फिर मतलब कि जहाँ जहाँ से मुझे अंदेशा है ना उसका रोले का, तो अभी देखो ये मैल सारा ना बह के जा रहा है, मतलब कि काम कर रहा है ना इस पर भी और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको लगा के छोड़ दूंगा और फिर इसके बाद, ये 1500 रुपये का था 500 ml, काफ़ी महंगा था वैसे, 1500 इतना बनता नहीं है इसका। खैर अभी लगा के छोड़ दूंगा, मैंने कहा इंजन डिग्रीसर लगाऊं क्या लगाऊं, तो खैर अभी गियर उतरेगा तो गियर को भी ना मैं इसी तरह चमका चमकू दूंगा। तो अभी ये खैर इसको थोड़ा क्योर होने का टाइम देता हूँ, फिर कपड़े से पहुँच दूँगा सिंपल, फिर इसके ऊपर वो देखते हैं कोई जुगाड़ करते हैं। भाई जान पहली बार ये किचन क्लीनर से ना अंदर वाली जगह साफ़ हो रही होगी, मुझे नहीं पता क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, लेकिन बस कर रहा हूँ। डिग्रीसर है, डिग्रीसर को काम करना चाहिए यार, तो क्या फिजूल चीज़ है यार बोतल। अभी गर्मी पड़ी है तो लेके इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मार दूँगा। अब शुरू करते हैं इसकी मंजाई। ओए होए 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 साजी काम तो कर रहा है,
ये देखो ना, नजर आ रहा है? पता नहीं, नहीं नजर आ रहा है, क्या चक्कर है? लेकिन ये देख रहे हो काम कर रहा है भाई जान। ये हालत देखो, पैर शहर मेरे ना सब तबाह हो गए हैं, लेकिन गेयर जो है ना भैंस की सिरी चमका दिया है मैंने फुल। जो है ना जितना हाथ पाड़ है ना इन जगहों पे सारा मैंने ये डिग्रीसर मारा है, वायर ब्रश, नॉर्मल नायलॉन ब्रश, एक ये सूखा कपड़ा, एक गीला कपड़ा। अगर ये डीजल मिट्टी का तेल होता ना फिर और ज़बरदस्त हो जाता। लेकिन अभी ये साज, ये वाली नई प्लेटें हैं, ये डलवा रहे हैं FCC कंपनी की, जेन्युइन इसके साथ है बलवा। ये पड़ी कितने की हैं? ये 15,000 को चाहिए। 15,000 की हैं ये समेत ना, प्रेशर ब्लेड समेत। ये पुरानी वाली हैं, वो नई वाली है। मैं तो कहना इसी तो सोल्डर करा के दोबारा पा रहे हैं। अभी इस पर टूल लगेगा 17,500 का। चलो खैर, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। 3500 का पहनेंगे। अच्छा 3500 का पहनेंगे? चैनल ला पहनेंगे, चैनल ला पाओ तू 2000 ले भी आएगी। हाँ ये और नाम ला पहनेंगे, पैर पुराना रह गया था। लो जी पुराने बेरिंग से कंपेयर करें क्या हिसाब किताब है। अभी मुझे शाहजेब मिला था यहाँ पे, वो अपनी वो पासो लेकर आया हुआ था, वो रिबॉन रखी हुई उसने, और R600 यामाहा R600 R6, वो यूरोप शोरप घूमते रहते हैं। ये है पुराना बेरिंग जो दिखाया था, ये नया खोल रहा है। ये 3500 रुपये का बेरिंग है इसका साथ का। हाँ ये भी बिल्कुल साथ के, बाकी में सही ग्रीस सीरीज लगी हुई है ना, बेहतरीन नहीं हो तो सा की पता चैनल ना पा दे सही बात है। नहीं सर ताड़े का तो मार है, देखो ये देखो कनाड़ी। हां बिल्कुल सही, नहीं जबरदस्त है। बस ऐसे टूल शूल लगाते हैं फिर इसे बंद करते हैं। बस जी भाइयों की मोहब्बत है, भाई भी यार पे आए, हमें ठंडा पानी पिला ले के सुबह से हम लगे हुए। क्यों जी चौधरी साहब नौकरी से भी वापस आए? भाई जाल का भाई भी यार देखे ना माशाल्लाह, पानी पिया हार ना गंदा गंदा यार, मैं ऑफिस से आया हूँ। ओए ओए पानी की बोतल लेने कितनी दूर से आए यार, कोई बात अरे मोहब्बत है सर, मोहब्बत है। गाड़ी इधर खड़ी हुई है सर, जनाब ये हमारी फेस हो गया आ गई है और बिल्कुल खूबसूरत किस्म की हो गई है, खूबसूरत किस्म की। A1 गियर भी साफ हो गया सारा, और ये नई क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट वगैरह सब A1 किस्म की लग रही है। अब बस जाके मैं गियर ऑयल लाता हूँ, कूलेंट लाता हूँ नया, तो इसमें 75-90 डलता है जो जेन्युइन आता है सुजुकी का। अगर आपका जिस इलाके में रहते हैं जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो वो वाला रिकमेंडेड होता है, तो वो खरीद के लाते हैं, वो डालते हैं, तब तक ये फिटिंग हो जाएगी। बाकी चौधरी साहब इंतज़ार करें तो इन्हें भी थोड़ा टाइम दें, अभी ऑफिस से वेले होके सीधा हमारे पास हैं ठंडा पानी पिलाने। बस जी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए 5,000 का एक और टीका लगा है जनाब साहब। 2 लीटर 85 वो है गेयर ऑयल, 2.5 लीटर डलता है तकरीबन, वो बाकी पड़ा हुआ है, और 2 लीटर कूलेंट भी गए थे तो 2 लीटर और लिया रेड डाल। भाई जान बाबा खर्चे हो गए, भाई बाबा खर्चे हो गए 75-85। सर जी काम यस हो गया, काम यस हो गया। साहब जी गुस्से में लग रहे, क्या चक्कर है? थोड़ा शर्माते हैं कैमरे से ना। एक और आना है 3 लीटर पैसी। लेवल नहीं पूरा हो गया, चलो जी और डाल देंगे।
भाई जान यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना नरम क्लच हुआ वाला कि छोटी उंगली से दब जाए। ओए होए 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 होए, लेवल हो गया, मैं कहता हूँ लेवल हो गया। स्पीड वाली सुई का मसला है, ए झटके मारी है इंजन करके, बाकी तो जबरदस्त हो गया। मैं कहता हूँ गियर इतना स्मूथ हो गया ना यार, इतना स्मूथ हो गया ये। ओए होए होए, सारा कमाल टूल ना है। हाँ सही बात है, वो जड़ी क्या नाम है पहले गियर से उठाओ ना, क्या नाम है, गड़ गड़ आती थी, वो वाला सीन भी नहीं है भाई। व्हील स्पिन हो रहा है हल्की सी स्पीड में। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ए देखो इंज करके, ओए होए होए खूबसूरत, ओए होए होए माशाल्लाह, मजा आ गया माशाल्लाह। अच्छा तो भाई जान फाइनली अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:06 और सुबह तकरीबन 11 बजे हमारा दिन शुरू हुआ था। तो ये है बस रगड़ाई कर करके सब कुछ किया है काम। मैं कहता हूँ बहुत VIP हुआ है, बहुत VIP है भाई जान, है काला उस्ताद नाम है इनका, A1 जेन्युइन। यकीन मानो मैं घर जाके अगर सो जाता ना आता काम ऐसे ही होना था, इतना अंधा एतमाद करता हूँ मैं उस पर, ठीक है ना। और फिर ये जो ये इसका काम पे जितनी मेहनत करते हैं, अब यकीन मानो इसकी 5-6 गाड़ियाँ आई थी और इसने ना मेरी वजह से सिर्फ मना की कि मेरी गाड़ी इसने खोली हुई थी, ठीक है ना। तो ये सीन है, तो इसलिए जो है ना मैं फिर ये होता है कि ये भाई जो मजदूरी लेबरशिप है मांगते ना, मेरा बड़ा लिहाज क्या नाम है करते होते हैं तकरीबन, मतलब क्या पूरे इसकी जो लेबर मांगी थी ना पूरा काम देखा आप लोगों ने, 4,000 रुपये सिर्फ मांगे, मैं खुशी से 1,000 रुपये और दिए। मैंने कहा भाई रख, और हमेशा इसी तरह होता है कि मैं ऊपर ही देता हूँ इसे ना पैसे, क्योंकि ये बड़ा दिल से करता है, मैं नेगोशिएट नहीं करता इसके साथ ये, क्योंकि अपनी गाड़ी समझ के काम करता है। माशाल्लाह काम बड़ा फिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि ना वो जब काम एक नंबर हो रहा हो ना, फिर पैसे की टेंशन नहीं आती, फिर पैसा वाह लगाता है बंदा, सोचता नहीं है पैसे लगाते हैं। अभी हालत मेरी काफ़ी टाइट हो गई है, सारी जितनी बचत बुचत थी सब कुछ निकाल गया मैंने। इसका EPS लगवाना था वो भी अब अगले से अगले महीने शायद डिले हो गया है, देखते हैं बस हालात भी माठे ही हैं कंपनी दे साढ़े वो भी अल्लाह करे सेट हो जाए। तो ये है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इंशाल्लाह एक और किसी नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और हाँ इंस्टाग्राम पे ना डेली फैज़ान है मेरा, उस पर फॉलो लाजमी करो, उस पर मैं डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो रील्स वगैरह आ रही होती है मेरी डिफरेंट उसकी ना, तो डू फॉलो इट, थैंक यू, पीस।